रुद्रपुर में बनाई जा सकती है साइबर सिटी, पूरी खबर क्या है चलिए विस्तार से आपको बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूँ आपके साथ स्वाति शुक्ला कुमार। तो प्रदेश सरकार उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर के आसपास साइबर सिटी बनाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। इस प्रस्ताव को अंजाम देने के लिए सरकार आईटी क्षेत्र की नामी कंपनी से बात कर रही है। टाटा और इंफोसिस सरीखी कंपनीज ने निवेश के लिए भारी जो है हामी जो है वो भरती हुई वो नज़र आ रही हैं। तो कंपनियों के सुझाव पर सरकार आईटी और सेवा क्षेत्र की नीतियों में भी बदलाव कर सकती है। तो 8 और 9 दिसंबर को प्रस्तावित वैश्विक निवेशक सम्मेलन की तैयारी कर रही प्रदेश सरकार ने रोड शो के दौरान कई आईटी कंपनीज को निवेश के लिए उत्तराखंड में आमंत्रित किया है। इसके साथ ही आपको बता दें, आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक आईटी सेक्टर में टाटा 5,000 करोड़ रुपये का निवेश कर सकता है। इसके साथ ही निवेश की राशि परिस्थितियों के अनुरूप और अधिक हो सकती है। इसके अलावा आईटी सेक्टर की अग्रणी कंपनी इंफोसिस से भी सरकार बात कर चुकी है। इंफोसिस भी उत्तराखंड में बड़ा निवेश करने की तैयारी कर रहा है। तो आईटी सेक्टर से जुड़ी कई और प्रमुख कंपनी से भी बातचीत सकारात्मक मानी जा रही है। सरकार की योजना एक ही स्थान पर सभी आईटी कंपनीज को भूमि उपलब्ध कराने की है। तो अगर ऐसा हो पाता है तो सरकार राज्य की पहली साइबर सिटी बनाने में सफल हो पाएगी। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार साइबर सिटी के लिए रुद्रपुर के पराग फॉर्म के पास उपलब्ध भूमि पर आईटी कंपनीज को भूमि उपलब्ध कराई जा सकती है। तो देखिए, रुद्रपुर जल्द ही साइबर सिटी हब बन सकता है। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें।